हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बड़े होंगे। तो गाइस, हम आज आ चुके हैं नोवो रैप नॉय। अब नोवो रैप नॉय में भाई दो से तीन टीम आई होती हैं, तो यहाँ पे हम क्या ही तबाही मचाएंगे। आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। और भाई जब तक ये अपडेट ही नहीं आ रहा ना, तो बंदे ज़्यादा कोई मिल नहीं रहे हैं भाई। पंद्रह सोलह पूरा भाग भाग के पूरा गेम निकाल दिया जाता है, मगर बंदे ही नहीं मिल रहे। अब जब तक कोई अपडेट नहीं आ रहा ना भाई, खिल विल मिलना मुश्किल ही है। बहुत ही कमी से भाई 20+ किल तो वीडियो जा रही है। अब इस मैच में भी 16 ही किले अपने, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे आते ही मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, डिबेट फॉरवर्ड, उस बंदे को लॉबी भेज देते हूँ। अब यहाँ मुझे एक नियत्ता बंदा दिखता है, यहाँ मेरी गन कितनी गलत टाइम पर रीलोड आ गई। मुझे लगा भाई वो नियत्ता, मैंने उसी हिसाब से पूरी गोलियाँ चला दी, मगर ये बंदे के पास भाई अंदर से उसको गन मिली, इसका नसीब बढ़िया था। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट की देखा, दोनों लोग आ गए हैं और मेरे टीममेट ने यहाँ पे करा पुश, और इस बंदे की पूरी पेटी डल गई। अब यहाँ पे अपने पास हीलिंग विलिंग थी नहीं, तो सबसे पहले अब यहाँ पे रुक के हीलिंग विलिंग देख रहे थे भाई। इतनी देर में तो ये समझ लिए पूरा नोवो ये खाली हो जाता है। यहाँ पे बस एक आधी बंदा बचता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपनी हील लगाते हैं और फिर सीधा जाएंगे वेयर हाउस। अब वेयर हाउस में आते हैं तो यहाँ पे हमें एक बंदे के साउंड आते हैं, ये दिक्कत भी है। यहाँ से फौरन करता हूँ मैं पुश, मगर ये बंदा कर जाता है फॉल बैक। अब यहाँ से मैं बिल्कुल पीछे से जाके तो पुश कर रहा हूँ, तो इतना मुझे साउंड आता है कि ये बंदा पीछे आ रहा है, मगर ये ऑटो पिकअप की वजह से ये बंदा तो बच जाता है, मगर मेरे टीममेट भाई नॉक हो गए। यहाँ पे ऑटो पिकअप के चक्कर में ये बंदा मेरा यहाँ पे मिनी की एमो उठाने लगा, और यहाँ हमारा ये क्लच भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम अपने टीममेट को तो बचा लेते हैं और यहाँ पे इसको भी भेज देते हैं लॉबी। अब यहाँ हील विल करते और हम यहाँ से निकल ही रहे होते भाई, इतना पता नहीं बहुत ही डीप चलती है मेरे ऊपर। ये बंदा मुझे दिख तो जाता है कि बिल्कुल लास्ट में वो कंटेनर से लकड़ी के से वहाँ पे बैठा है। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को दिखता हूँ तो मुझे दिख जाता है उनको भी ज़्यादा हील विल है नहीं, तो यहाँ पे बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फॉल बैक लेता हूँ। और शांति से अंदर आके इस कंटेनर में बैठ जाता हूँ। अब यहाँ में हील रिवाइव तो मिल रहा होता, मगर उस बंदे के भाई साउंड भी आ रहा था। अब वो बंदा इतना कंफ्यूज हो गया, उसने हमारे ऊपर पुश करा ही नहीं, वो बंदा देखता रह गया, मगर भाई वो बंदा बहुत ज्यादा चालाक था। अब देखिए इस बंदे के साउंड में यहाँ कहीं से आ भी रहे हैं बहुत ही ज्यादा क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक इस बंदे पर करूंगा पुश। भाई ये बंदा समझ में ही नहीं आया कि इतने बीच में से कहाँ गायब हो गया। पूरे में इस बंदे को देख लिया, ये बंदा दिखा ही नहीं भाई हमें। यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ गया नीचे, मगर ये बंदा पता नहीं किस बीच भाई जाके टावर पे बैठ गया। अब यहाँ पे मुझे एक हेल्थ किट दिखती है जो कि मैं अपने टीममेट को दे दूंगा भाई, हम लाएंगे पेन किलर। और फिर देखिए आप M4 का क्या ही स्प्रे पड़ेगा इस बंदे के मुंह पे। अब यहाँ हमें जो है ना कंफर्म हो जाता है कि हाँ बंदा ऊपर ही बैठा है, तो अब हम देखिए इसके साथ क्या ही सीन करेंगे। यहाँ पे पहले मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसे लेट के मारा जाए, मगर भाई लेट के देखता हूँ तो वहां तक ए भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी पीक लेते हैं।
और यहाँ हेड 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 मार के भाई इसको कर देते हैं। इस बंदे ने भाई बहुत ज्यादा परेशान कराया था, इस बंदे को हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं, पूरी की पूरी पेटी डाल दी। अब भाई यहाँ पे और तो कोई बंदा एक आता नहीं, एक बोर्ड को मार के हम यहाँ से निकल रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई जोन भी आ चुका था, तो यहाँ पे रुकना बिल्कुल बेवकूफ़ी थी। तो यहाँ से हम सीधा जाते हैं जोन की तरफ, मगर यहाँ हम जोन में जा ही रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें यह फ्लैट ड्रॉप दिखता है। अब जैसे ये दिखता ना तो हम इसको लूटने के लिए, भाई इतनी देर मुझे लेफ्ट में देखिए एक बंदा भी स्पॉट हुआ था, ये देखिए ये लेटा। भाई इन्हें कोई बताओ गिली सूट इतना भी काम नहीं आता जितना ये समझ रहे। भाई ओपन में ही बंदा लेटा हुआ है, कुछ नहीं तो गड़बड़ में ही जाके बैठ जाता भाई, आराम से कैम करके मार ही लेता। अब यहाँ पे इसकी पेटी वेटी लूटते और सीधा निकल जाएंगे और बंदों की तरफ। अब इतनी देर में पीछे से भाई कोई अपने फायर देता है हमको बुलाने के लिए, मगर यार इतनी देर में देखते गाड़ी हमारे कल पाया। अब भाई इसका एक बंदा तो गिर के ही नॉक हो जाता है और दूसरे बंदे को मैं गिरा ही देता हूँ। एक तो भाई मैंने इसी सीजन से ये डुओ वी स्क्वाड खेलना शुरू करा था, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ कि ये स्क्वाड का गेम है, क्योंकि अभी देखेगा एंड में मेरे साथ ऐसे होगा एक बंदे को नॉक कर देंगे हम लोग ओपन से पुश करेंगे, और वहाँ पे मैं भूल चुका था कि स्क्वाड है। अब यहाँ पे सामने की तरफ एम लेके मैं चल रहा होता हूँ ताकि कोई बंदा कैंप वैम्प कर रहा हो तो दिख जाए। अब यहाँ तो कोई नहीं होता, मैं घूम फिर के हम यहाँ आते। भाई यहाँ पे होता क्या है ना, एक फ्लेयर चली होती है मगर वो हमको दिख ही नहीं रही होती, साउंड तो बिल्कुल आता है उसका मगर दिख ही नहीं रही होती। भाई उतर के हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जहाज़ वहाज आए, और इतनी देर में हमें ये फ्लेयर दिख भी जाती है। अब फ्लेयर तो दिख जाती है मगर दूसरी तरफ भाई फाइट भी हो रही थी, तो हम लोगों ने इस फ्लेयर को करा इग्नोर और सीधा घुस गए एक फाइट में जाके। अब यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं बता मुझे सामने दिखता है, यहाँ पे इसको नॉक करके अब फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे आपके भाई तो गंदा सीन होगा ना, अब वो देखिएगा, मतलब सीन ये है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपको घबराना नहीं है भाई। तो यहाँ पे होता भी कुछ आपके भाई के साथ है ऐसा ही है। अब यहाँ पे मैं अपनी ए के एम निकालता हूँ और करता हूँ पुश। भाई यहाँ पे दो बंदे बैठे होते हैं और इतनी अनएक्सपेक्टेड जगह पे बैठे थे ना कि भाई कोई और होता ना मोबाइल वाइल सब छोड़ देता हाथ से। यहाँ पे जैसे तैसे मेरी ए के एम ने यहाँ से ये फाइट निकाली और यहाँ पे हमने जैसे इन सबको फिनिश कराना निकल गए और अपने फ्लेयर वालों की तरफ, क्योंकि एक एक किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भाई। देख लीजिए मैं इस तरीके से तो मुझे फाइट लेनी पड़ी तब जाके इतने किल हो रहे भाई, बंदे मिलते ही नहीं। अब यहाँ पे इस बंदे ने भाई एम के में ये टैक्स लगा रखा था, इतनी गंदी चुप गई थी ना मुझ पर, तो मैं भाई भाग के कवर में आ गया कि नहीं दूर से फाइट लेना, हमें ला हम दूर से फाइट लेंगे ही नहीं। अब यहाँ से हमें हील वील होते हैं और अपनी गाड़ी हम पीछे की तरफ बुलाते हैं, क्योंकि वो बंदा हो ना वो गाड़ी वाड़ी सब भाई बेकार कर देता, इसलिए हम सीधा अपनी गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी उठा के करेंगे इस बंदे पे पुश। अब यहाँ पे हम एक बंदे को तो नॉक कर देते हैं और दूसरा बंदा भी भाई यहीं कहीं आया था मुझे दिखा था, क्योंकि ये देखिए एक बंदा और दिख जाता है। तो यहाँ पे मेरे टीममेट की कॉल आती है भाई नेट कर दे, क्योंकि मैं भाई बिल्कुल भी नेट मॉली बहुत कम ही से करता हूँ, मॉली तो कर देता हूँ मेरे पास नेट वेट रहते हैं मगर मैं करता ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों ही। तो मुझे याद आया अरे हाँ मेरे पास नेट भी है, यहाँ पे एक ओ पी सा नेट फेंकते और ये खत्म। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत लूटपाट करते हैं, अपने सिक्स उठाते हैं और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदे ढूंढने। अब यहाँ से हम सीधा जा रहे होते हैं जोन की तरफ। अब जोन में हमें एक गाड़ी दिखती है तो हम इस गाड़ी को उठाते हैं, और इतनी देर में भाई सामने से होने लगती है फायरिंग।
अब यहाँ पे भाई ये बंदे बहुत ही गंदी मार रहे थे, तो सबसे पहले तो हमने कवर में अपनी गाड़ी रोकी और फिर देखिए इनके साथ क्या हुआ। मैंने आपको बताया था ना मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ कि ये स्क्वाड गेम प्ले, तो भाई ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। Watch out! एक ऊपर है उसको घर की छत पे दिख रहा है, हेड दिख रहा है उसको। अब यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ तो यहाँ से तो मुझे कोई बंदा बंदा दिखता है नहीं, तो यहाँ पे सीधा हम आते इधर तो यहाँ एक बंदा भागता हुआ दिखता है। अब आप ये देखिए दोनों बंदे जो है ना ये अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, मुझे उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया मैंने, मैं खुद देख रहा हूँ कि हाँ ये दो बंदे कैसे हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही इसे नॉक करता हूँ ना तो लेफ्ट में से मेरे टीममेट को कहीं से भाई बहुत ही गंदी स्नाइपर पड़ती है, तो यहाँ से हम कूद जाते हैं। भाई ये सोच के कूदाऊंगा यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बच रहा है, मैं बीच मैच में ये भूल ही जाता हूँ कि स्क्वाड गेम प्ले। अब यहाँ पे जैसे ही एक बंदा जागता है तो मैं इसे भी नॉक कर देता हूँ, भाई यहाँ पे ये बंदा भी हो जाता है नॉक। अब जैसे ही भाई ये बंदा मुझे नॉक करता है ना तब मैं समझ, तब मुझे ध्यान आता है अरे भाई ये स्क्वाड गेम प्ले। अब यहाँ पे हमारी टीम मिट गई एक ओपी कवर, यहाँ पे हम जैसे तैसे तो बच जाते हैं और यहाँ पे देखिए बिना ही हील करे क्या ही तबाही मचेगी। थैंक यू, मॉली कर दूं। एक बंदा अंदर की तरफ होता है, एक बंदा भाई राइट से आता है जिसको कि हम दोनों को नॉक कर देते हैं और भाई यहाँ पे अब करेंगे हम हील। अब जिस बंदे को मैंने छत पे नॉक करा था ना भाई वो अभी तक रिवाइव ही नहीं हुआ, ये देखिए कहाँ ही बैठा। अब यहाँ पे हमने इन्हें दोनों को करा फिनिश और यहाँ पे अपना ये 1v4 हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं रुकता हूँ ज्यादा, भी मैंने टाइम वेस्ट करा, यहाँ पे फौरन मैं हाई ग्राउंड पकड़ने के लिए जा ही रहता हूँ, फिर मुझे ये बंदा भी दिख जाता है। यहाँ पे मैं स्प्रे मारता हूँ, ये बंदा तो भाई कवर में चला जाता है। अब यहाँ हम करते हैं बैक टू बैक दो नेट, मगर भाई मैं थोड़ा सा लो ग्राउंड पे था, मेरे टीममेट थोड़ा हाई ग्राउंड पे, तो यहाँ पे ये बंदा बाहर आता है मुझे तो दिखता ही नहीं है भाई। देखिए जब तक ये दिखता है जब तक ये कवर में चला जाता है। अब यहाँ पे हम अपनी M4 निकालते हैं और करते हैं इस बंदे पे सीधा पुश। अबे जब वो बंदा ओपन में था एक इजी पीजी चिकन डिनर। आपको वीडियो कैसे ली कमेंट से कम जरूर बताइएगा, वीडियो पर जरा भी मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, हम लोग 500 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।